दोस्तों मशीन्स हमारे जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। जहां मशीन्स हमारे कई सारे काम आसान कर देते हैं, वही कुछ मशीन्स ऐसी चीजें बनाने का भी काम करती है जिन्हें हम लगभग रोज ही इस्तेमाल करते हैं। आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही मशीन्स दिखाने वाले हैं जो हमारे रोजाना के इस्तेमाल होने वाली और खाने की कई सारी चीजों को बनाने का काम करती है। और शायद ही आपको पता होगा कि इन सब चीजों को आखिर कैसे बनाया जाता होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। गाइज, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना क्योंकि आज हम आपको ऐसी एप्लीकेशन के बारे में भी बताएंगे जो आपको हर एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर फ्री का कैशबैक देती है। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। शुरुआत करते हैं हॉट डॉग ब्रेड मेकिंग मशीन से। हॉट डॉग खाना बहुत से लोगों को पसंद होता है। आज के दौर में इसे पॉपुलर फूड में से एक माना जाता है। इसे खाने के लिए हॉट डॉग ब्रेड की बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपने कभी यह सोचा नहीं होगा कि आखिर इन्हें कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले इस ब्रेड के मिक्सचर को एक मशीन में डाल दिया जाता है, जहां यह मशीन मिक्सचर को छोटे छोटे पीसेस में काट देती है। फिर कन्वेयर बेल्ट की मदद से उसे दूसरे मशीन में भेजा जाता है, जहां मशीन में लगे हुए रोलर्स उसे गोल आकार में कन्वर्ट कर देते हैं। बाद में एक पाइप के जरिए उन्हें दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। फिर आगे लगी मशीन उन्हें रोल करके दबा देती है और उन्हें हॉट डॉग ब्रेड जैसा शेप दे देती है। बाद में उन्हें एक बड़े से कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है, जिसके बाद दो कर्मचारी उन्हें ठीक बीच में से काट देते हैं। फिर उन्हें बेक करने के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद ब्रेड कुछ ऐसा दिखते हैं जिसे देखते ही किसी के भी मुंह में पानी आ सकता है। पाम ऑयल तेल कई सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि खाना पकाने के साथ साथ कई सारी चीजें बनाने में, लेकिन पाम ऑयल सभी ऑयल्स में सबसे सस्ता है, जिसे लगभग हर चीज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चॉकलेट, शैम्पू, टूथपेस्ट और बहुत सारी चीजें। और पिछले कुछ सालों में पाम ऑयल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे लोग आज भी पाम तेल का इस्तेमाल खाना बनाने में करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पाम ऑयल बनता कैसे है? सबसे पहले पाम को पेड़ों से तोड़ा जाता है, उसके बाद इन सब में से अच्छे पाम्स को छांटा जाता है और उन्हें मशीन में डालकर स्टरलाइज किया जाता है। उसके बाद इन्हें बॉयलर टैंक में डाल दिया जाता है, जिससे ये सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर इन्हें आगे एक ड्रम रोलर में डाला जाता है, जहां इन पाम्स को स्मैश किया जाता है और फिर इनके अंदर से ऑयल निकाला जाता है। आगे इस ऑयल को फिल्टर और प्यूरिफाई किया जाता है और आखिर में ये पाम ऑयल पूरी तरह से तैयार हो जाता है और मार्केट में आ जाता है। शैंपेन मेकिंग प्रोसेस। अलग अलग लोगों को तरह तरह की शराब पसंद होती है, जैसे कि बियर, विस्की, शैंपेन वगैरह, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शैंपेन बनती कैसे है? सबसे पहले अंगूरों को खेतों से तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है, उसके बाद उन्हें अच्छे से धोकर उनका जूस निकाला जाता है और फिर उसे फिल्टर किया जाता है। फिर इस जूस को बड़े कंटेनर्स में डालकर उसमें ईस्ट यानी खमीर डाला जाता है और फर्मेंटेशन प्रोसेस की जाती है और इसे 10 दिन तक ऐसे ही रखा जाता है। इन 10 दिनों में ईस्ट उस जूस में मौजूद शुगर को शराब में बदल देती है। उसके बाद इसे बॉटल्स में भरकर 5 हफ्तों तक रखा जाता है। उसके बाद एक्सपर्ट्स इसे टेस्ट करते हैं और उसके बाद इन्हें बैरल्स में भरकर 10 सालों तक रखा जाता है, लेकिन उसके पहले इस बैरल के अंदर एक सल्फर डिस्क को जलाकर बैरल के नॉब के साथ लगाया जाता है, जिससे बैरल के अंदर के बैक्टीरिया मर जाते हैं। और सालों तक शैंपेन को बैरल में रखने के बाद इसे वापस से एक्सपर्ट द्वारा टेस्ट किया जाता है और तैयार शैंपेन को बोतल में भरा जाता है और उसके साथ ही एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालकर शैंपेन की बोतल को पैक किया जाता है और शैंपेन पूरी तरह से तैयार हो जाती है। मेकिंग ऑफ कैंडी। बच्चों को सबसे ज्यादा जो चीज पसंद होती है वो है कैंडीज। इसे बनाने वाली मशीन जो अभी आप देख रहे हैं वो एक पूरे प्रोसेस के बाद इन कैंडीज को बनाती है। इसमें सबसे पहले कैंडी बनाने का मिक्सचर तैयार किया जाता है, उसके बाद उस मिक्सचर को कन्वेयर बेल्ट पर ले जाया जाता है, जहां उसे दबा कर और रोल करके और ज्यादा सॉफ्ट बनाया जाता है।
जब वो पूरी तरह से प्रोसेस होकर सॉफ्ट बन जाती है तो उस पर कोटिंग की जाती है और उससे हर तरह के शेप और डिजाइन के कैंडीज बनाई जाती है। फिर उन्हें पैक कर दिया जाता है और ये कैंडीज खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। चोकोबार मेकिंग। चोकोबार हो या मैग्नम, इन आइसक्रीम्स को बहुत लोग खाते हैं, लेकिन ज्यादातर छोटे बच्चे इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। पर बहुत से लोग नहीं जानते कि इन्हें बनाया कैसे जाता है। एक मशीन में क्रीम मिक्सचर को डाला जाता है, बाद में दूसरी मशीन उसे एक एक करके स्टिक के साथ चोकोबार के आकार में काट देती है और उन्हें कन्वेयर बेल्ट से आगे ले जाया जाता है। फिर उन्हें फ्रीजर की मदद से धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। बाद में एक स्टील हैमर से साइड की पट्टी पर टैप किया जाता है, जिनकी मदद से कोई भी चोकोबार कन्वेयर बेल्ट से ना चिपके। बाद में एक मशीन उन्हें उठाकर एक ब्रैकेट में फिट कर देती है, जहां उन्हें उल्टा करके चॉकलेट लगाया जाता है। ये सब होने के बाद चोकोबार पैकिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जहां उन्हें मशीन के जरिए एक एक करके प्लास्टिक में रैप किया जाता है। आगे दो कर्मचारी एक साथ चार चोकोबार्स को उठाकर दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर रख देते हैं और आखिर में उनके बॉक्स की पैकेजिंग की जाती है। गाइज, अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अजियो, मिंत्रा और स्विगी जैसी वेबसाइट्स यूज करते हैं तो आपको कैश करो जरूर यूज करना चाहिए। ये एक ऐप और वेबसाइट है जो आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पर मैसिव कैशबैक्स और रिवॉर्ड्स देती है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो पर अपना अकाउंट बनाओ और कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करो, जैसे मैं अमेजोन कर रहा हूँ। फिर ऑरेंज बटन पर टैप करके फिर विजिट रिटेलर पर टैप करो। वेबसाइट खुलने पर जैसे आप यूजुअली शॉपिंग करते हो वैसे ही करो। पेमेंट के बाद कैश करो में माय अर्निंग सेक्शन में आप अपना कैशबैक चेक कर सकते हो। जब आपका कैशबैक कंफर्म हो जाएगा तो आप उसे सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या उसे अमेजोन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैश करो से आप 1500 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स पे शॉपिंग कर सकते हो। कैश करो आपको शॉपिंग करने पे फ्री के पैसे देता है। अभी डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक से कैश करो पे अपना अकाउंट बनाओ और एटलीस्ट एक ट्रांजैक्शन तो करके देखो। हमारी लिंक से साइन अप करने से आपको पहली परचेस पे ₹25 एक्स्ट्रा मिलेंगे। जेली बीन्स। कैंडीज कई तरह की आती है, जिसमें लोगों की अलग अलग फेवरेट कैंडीज होती है। उन्हीं में से एक है जेली बीन्स, जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन शायद ही आपने यह कभी सोचा होगा कि जेली बीन्स बनती कैसे है। सबसे पहले पानी, कॉर्न स्टार्च, कॉर्न सिरप और चीनी के मिक्सचर को मशीन में तैयार किया जाता है। उसके बाद उसमें फ्लेवर डाल दिया जाता है और फिर इस मिक्सचर को जेली बीन के मोल्ड्स में भरा जाता है। उसके बाद इन पर कॉर्नफ्लोर छिड़क दिया जाता है और एक दिन ऐसे ही रखा जाता है और दूसरे दिन इन बीन्स को मोल्ड से निकाल कर कन्वेयर बेल्ट के जरिए उन पर चीनी छिड़कते हैं ताकि ये बीन्स आपस में चिपके नहीं। और आखिर में इन बीन्स को एक रोलर में डालकर उसमें पॉलिश डाली जाती है, जिससे बीन्स अच्छे से चमकते हुए तैयार हो जाते हैं। स्वीट कॉर्न। कॉर्न आप सब ने कभी ना कभी खाया होगा। कुछ लोग इसे भुना हुआ खाना पसंद करते हैं तो कुछ इसे पकाकर खाते हैं, लेकिन इसे खाने में एक दिक्कत हर किसी को आती है, वो है इसके दाने निकालना। यह बहुत मेहनत और समय लेने वाला काम है, इसलिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इन्हें रेडीमेड कैंस में बेचते हैं। अभी हम आपको वही मशीन दिखाने वाले हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज इस्तेमाल करती है। सबसे पहले खेतों से कॉर्न को निकाल कर इस मशीन में डाला जाता है, उसके बाद ये मशीन उनके छिलकों को निकाल देती है, उसके बाद ये उन मक्कों को अच्छी तरह से धो देती है। फिर इस मशीन में लगा ब्लेड इन मक्के के दानों को बिना नुकसान पहुंचाए काट कर निकाल देती है और इन्हें प्रोसेस करके कैन में पैक कर देती है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, लेकिन अगर इंसान ये प्रोसेस करने जाए तो यार बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। लेज चिप्स मेकिंग। लेज चिप्स तो आजकल बेहद मशहूर है और बहुत से लोगों को इसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेज में कई तरह के फ्लेवर्स आते हैं, जैसे कि लेमन, स्पाइसी, सॉल्टेड वगैरह। लेकिन बहुत कम लोगों को ये ख्याल आया होगा कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग आखिर कैसे की जाती है। तो इनकी शुरुआत ढेर सारे आलूओं से की जाती है, जहां उन्हें एक बड़े से कंटेनर से उतार कर कन्वेयर बेल्ट की मदद से वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, जहां उन्हें धोकर उन पर लगे हुए छिलकों को भी हटाया जाता है। बाद में उन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे ले जाकर फिर एक बार वॉशिंग सेक्शन में डालते हैं, जहां उन्हें गर्म पानी में उबालकर चिप्स का आकार दे दिया जाता है। काटे हुए चिप्स को आगे ले जाते हैं, जहां उन्हें फ्राई किया जाता है।
उसके बाद उन्हें एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट पर भेजते हैं, जहां उन पर एक मशीन के जरिए मनचाहा फ्लेवर मिक्स किया जाता है। फ्लेवर डालने के बाद उन्हें एक रोटेटिंग मशीन में डालते हैं, जहां मशीन बने हुए चिप्स को अच्छे से मिक्स करने का काम करती है। मिक्स हो जाने पर उन्हें दूसरे कन्वेयर बेल्ट से ऊपर ले जाया जाता है और आगे उन्हें पैकेजिंग के लिए भेजते हैं। इस तरह आपके मनपसंद लेस चिप्स मार्केट में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और गाइस, अब लास्ट में आता है पार्ले जी बिस्किट। पार्ले जी बिस्किट के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं और इन्हें खाना बहुत लोगों को पसंद होता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि ये आखिर बनते कैसे है। इनकी शुरुआत व्हीट फ्लोर, शक्कर और एडिबल ऑयल से की जाती है। सबसे पहले व्हीट फ्लोर को अच्छे से छाना जाता है, फिर एक शिफ्टर में शुगर को छान कर आगे भेजा जाता है। उसके बाद एक टैंक में व्हीट फ्लोर, शुगर, पानी और ऑयल को मिक्स किया जाता है और करीब 90 सेकंड में ही इनका मिक्सर बनकर तैयार हो जाता है। फिर बनाए गए मिक्सर को मोल्डिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां उन्हें 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच मेंटेन किया जाता है। उसके बाद दो कन्वेयर बेल्ट बने हुए बिस्किट मिक्सर को दो रोलर की मदद से बिस्किट का आकार देते हैं, जहां ये रोलर्स एक बार में 384 बिस्किट्स बनाते हैं। फिर उन्हें बेकिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां उन्हें 120 से 240 डिग्री टेम्परेचर में बेक किया जाता है, जिसे बिस्किट ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, जिसे कलरिंग भी कहा जाता है। बाद में उन्हें कूलिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां उन्हें 7 से 8 मिनट तक नेचुरली ठंडा किया जाता है और इस तरह बिस्किट्स तैयार हो जाते हैं। आगे उन्हें 6 लाइन से गुजरकर पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। इस फैक्ट्री में एक दिन में लगभग 40 करोड़ बिस्किट्स बनाए जाते हैं। सच में है ना कमाल की चीज। सो गाइस, आपको इस वीडियो में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा कमाल की लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कैश करो पर अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक से साइन अप करो और अपनी हर शॉपिंग पर एक्स्ट्रा कैशबैक कमाओ। हमारे लिंक से साइन अप करने से आपको फर्स्ट परचेस पर 25 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।